अला असीं सुठी ॾिनी आहे जेके कंहिं माण्हू खे नुक़सानु पियो त तमामु तकलीफ़ थी तंहिंजे लाइ करे हुकूमत खे असां अपील था कयूं त इहा असांखे पुल ठाहे ॾियनि न त असां तमामु वधीक इन लाइ चाह बि कंदासीं ऐं रोडनि ते बि मुज़ाहिरा कंदासीं। किसी भी तरक्की का दारोमदार उसके बेहतर मवासलात के सिस्टम पर होता है जिला सांगड़, जिसके तमाम मेन रोड के साथ साथ लिंक रोड तबाह हाली के बायस यहाँ पर मवासलात के साथ साथ यहाँ आवाम को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जरूरत समर की है कि अगर सिंध चाहती है कि सिंध के लोगों की तरह सांगड़ के लोग भी तरक्की करें और खुशहाल हों तो जरूरत समर के कि उनको मवासलात का निज़ाम बेहतर दिया जाए ताकि यहाँ के क्राप मार्केट तक बर वक्त पहुँच सके और सांगड़ के आवाम खुशहाल हो सकें। कैमरा मैन मुजम्मल अहमद के साथ सांगड़ से इशफाक सुलहरी। हुकूमत सिंध चाहती है कि अगर सांगड़ के लोग भी खुशहाल हों, सांगड़ की करा भी बर वक्त मार्केट पहुंच सके तो जरूरत समर के सांगड़ के तमाम मेन रोडों के साथ सांगड़ के लिंक रोडों को बर वक्त तमीर किया जाए ताकि सांगड़ के आबादगार खुशहाल हों और सांगड़ के लोग खुशहाली में तरक्की कर सके। कैमरा मैन मुजम्मल अहमद के साथ सांगड़ से इशफाक सुलहरी। चाहती है कि सांगड़ के लोग भी खुशहाल हों, सांगड़ की करा भी बर वक्त मार्केट पहुँचे तो जरूरत समर की है कि सांगड़ के आबादगारों को बर वक्त करा मार्केट तक पहुँचाने के लिए तमाम लिंक रोड के साथ मेन रोडों की तमीर की जाए ताकि सांगड़ खुशहाल हो, सांगड़ तरक्की करे, सिंध तरक्की कर सके। कैमरा मुजम्मल अहमद के साथ सांगड़ से इशफाक सुलहरी। जरूरत समर के है कि अगर हुकूमत सिंध चाहती है कि सांगड़ के आबादगार भी खुशहाल हों, बर वक्त मार्केट तक कराब पहुंचा सकें तो जरूरत समर के है कि लिंक रोडों के साथ साथ जरूरत समर के है कि मेन रोडों के साथ साथ लिंक रोडों की तमीर की जाए और पुलों को मजबूत बनाया जाए ताकि सांगड़ के आवाम की जिंदगी भी खुशहाल हो सकें। कैमरा मैन मुजम्मल अहमद के साथ सांगड़ से इशफाक सुलहरी। पत्थर मारे हाँ ये जी ऐसा मैं इधर पड़ा रहा था इस कुर्सी पे। आप कहाँ से? हाँ 10 बजे का टाइम था, मैं पढ़ा रहा था तो 4 बंदे 5 बंदे आए डंडों के साथ। हाँ मैं पढ़ा रहा था स्कूल में, 4-5 बंदे आए डंडों के साथ। जी तो मैं 10 बजे पढ़ा रहा था अपनी स्कूल में, बैठा था कुर्सी पे, 5 बंदे आए डंडों के साथ, मुझे मारा पीटा, कपड़े पार दिए, बच्चे डर की वजह से एक बच्चा बेहोश हो गया, ये सारा फर्नीचर तोड़ फोड़ किया। ये बासर जमींदार हैं अहमद अली शाह और आबिद अलशाह, इनके हारी हैं, तो ये बिल्कुल बदमाश हैं, बदमाशी करते हैं, ये स्कूल मतलब बड़ी हमारी बेइज्जती हुई है। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, टीचर हूँ प्राइमरी, तो कोई पुलिस ने अभी तक कोई मतलब बंदे गिरफ्तार नहीं किए हैं। तो एसपी साहब सांगण और एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे और आईजी सिंध वज़ीर आला